हेलो गाइस, मैं राजा खान। तो आज हमारे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है एक कटिंग मशीन जिससे लोहे को कट करते हैं। अरे नहीं भाई, इससे कटिंग करेंगे। आगे आपको बता देता हूँ कि हम इसको क्यों हाथ में पकड़ के हैं और क्या करने वाले हैं। तो हमारे पास एक आया है एयर कूलर जिसे बहुत रस्ट पड़ गया है और उसका क्लैंप वगैरह, नट बोल्ट, स्क्रू और जितने भी है सभी रस्ट से एकदम जंग पकड़ के मोटे मोटे हो गए हैं। तो उसको खोलने का बहुत मुश्किल है और नामुमकिन भी है खोलना। तो उसको हम इस कटिंग मशीन से कट करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर लेना। ओके, वीडियो पसंद आए तो, वरना नहीं करना। तो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, क्या बोल रहा था, कूलर, एयर कूलर आया भाई। एयर कूलर के बारे में बताने वाला हूँ, एयर कूलर को किस तरह से हम मोटर चेंज करेंगे। और अभी जो मोटर आते हैं ना, पुराने वाले जो मोटर आते थे एयर कूलर में, उसमें क्या होता था कि पंप विद पंप के साथ आते, नीचे एक प्लास्टिक वाला लगा रहता था, उसमें जो पंप ऐसे 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 घूमता था, तो उसके वजह से वाटर रोटेशन ऊपर फेंकता था आते थे, तो साइड से गिरता था। तो अभी हम उसको ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो मोटर मिलना बहुत मुश्किल है। तो अभी हम उसमें क्या करेंगे कि हम अलग से एक सेपरेट पंप लगाएंगे, जो पंप आता है एयर कूलर वाला वो लगाएंगे और मोटर एक नया डालेंगे। तो प्लीज हमारे वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, थोड़ा भी स्किप नहीं करना। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एयर कूलर जिसे मैंने टॉप खाली खोला है, साइड का जो डोर होते हैं वो मैंने खोल के हटा दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके स्क्रू कितने रस्ट पकड़ चुका है। ओके, तो इसे जो है हम यहाँ से कट करेंगे और कट करने के बाद जो है इसको ऊपर से निकालेंगे और इसका ये आप मोटर देख रहे हैं, इस मोटर को जो है नया डालेंगे। ओके, ये इसका मैं बात कर रहा था, ये जो शाफ्ट के साथ आते हैं ऐसा का पंप, तो ये पंप हम नहीं डालेंगे। यहाँ पे हम एक अलग से एक वाटर पंप बैठाएंगे और छोटा वाला जो एयर कूलर का होता है वो डालेंगे। ओके गाइस, तो चलिए हमारे वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो नहीं यार, काम शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए गाइस हम काम शुरू करते हैं और आप देखते रहिए हमारे वीडियो को, सॉरी यार वीडियो को नहीं, हमारे काम को देखते रहिए। हम करेंगे इस हथौड़ी की मदद से इसके रस्ट पूरा हटा देंगे से मारने के बाद, क्योंकि जब हम इस पे कटिंग मशीन चलाए तो उसका छींटा हमें ज्यादा ना पड़े। और अब मैं लेता हूं यहां पे ये कटिंग मशीन। ओके, इसके जरिए से यहां पे इसको इस तरह से काटेंगे। तो गाइस आप बहुत सावधानी के साथ ये मशीन चलाना है क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होता है। तो चलिए इसको हम करते हैं ऑन। देखिए मैं ऑन, देखिए इसका सक्सेस। तो गाइस यहाँ पे हो गए सारे बोल्ट कट, अब हम इसको उठाएंगे और बाहर निकालेंगे। गाइस ये तो मैंने खोल लिया, अब इसको जरा उठा लेते हैं। इस तरह से हिलाने के बाद ये उठ गया। ओके, अब क्या करेंगे कि ये एक रह गया था यहाँ पे, ये सही से कटिंग नहीं हुआ है, तो मैंने ये इसका स्क्रू जो है दोनों खोल दिया हूँ। ये देखिए ये पूरा इस तरह से उठ जा रहा है, तो इसको इस तरह से उठा के बाहर निकाल लेते हैं। अरे यार पाइप रह गया, तो पहले पाइप को हटा लेते हैं। ये पाइप हट गया, और कुछ भी है तो एक वायर है, वायर को जो है कैंची की मदद से काट लेते हैं। कैपेसिटर का वायर है, कैपेसिटर का वायर नहीं, मोटर का, ये कैपेसिटर का है, और ये अर्थ का वायर है, अर्थ का भी वायर को काट देते हैं। अब इसको जो है पूरी तरह से उठा लेते हैं बाहर, ये आ गया बाहर। ओके, तो इसको यहाँ रखते हैं और देखते हैं कि क्या किया जाए। तो इस तरह तो मैंने इसे खोल दिया हूँ, और खोलने के बाद मोटर तो अलग करना ही पड़ेगा। ओके, तो मैं मोटर अलग करता हूँ, आगे का वीडियो देख लीजिएगा। गाइस आखिर में इसे मैंने खोल लिया है, बहुत ही तकलीफों का सामना, मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उसके बाद जाके इस तरह से खोला हूँ मैं। आखिर वो सब मैं वीडियो बनाता तो गाइस बहुत लंबा वीडियो बन जाता वो, इसलिए मैंने शॉर्ट में खोल करके दिखा दिया। लेकिन गाइस मत पूछना, बहुत ही तकलीफ से गुजरा हूँ मैं, बहुत बड़ा बड़ा मुसीबत उठाया हूँ इसको खोलने के लिए। ओके,
तो अब ये जो है इसका जो है, आइए अब सीरियसली बात करते हैं। इसका जो है वाइंडिंग जल चुका है, कोर जल चुका है, कॉइल जल चुका है, तो अब इस पे हम यूज़ करेंगे नया मोटर। तो मैं जाऊंगा टाउन, आई मीन सिटी, सिटी से जाकर जो है नया मोटर परचेस करूंगा। उसके बाद जो है आपको दिखाऊंगा कि वो मोटर कौन सा किस तरह से फिट करना है। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, पूरा देखना ना भूलिएगा। तो जब तक के लिए बाय बाय। तो फिर मैं सिटी जा करके लेकर आया हूँ ये नया वाला मोटर, जो मैंने कहा था कि मैं सिटी जा रहा हूँ और लेकर के आता हूँ एक एयर कूलर का नया मोटर। तो ये मैं लेकर के आया हूँ। चलिए अब इसको जल्दी से जल्दी इसको फिट करते हैं, और किस तरह से फिट किया जाता है वो आप इस वीडियो को देख करके सीख लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले, हमारे चैनल पर जो नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे वीडियो को लाइक कर देना। मैंने इसको जो है इस तरह से काट के निकाल दिया। इसका ये मोटर सेटिंग प्लेट था, ये तो बहुत सड़ गया था, एक पूरा ही सड़ गया था, दूसरा को भी मैंने निकाल दिया। ओके, ये मैंने नया फिट किया हूँ यहाँ पे, जो सीलिंग बनाते हैं ना उसका चैनल है। ओके, तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसका मार्किंग ले रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक नट बोल्ट ऐसा इस तरह से फिट किया हूँ फुल थ्रेड वाला, और उसको इस तरह से रख करके यहाँ का डिस्टेंस देख करके मार्किंग ले लिया हूँ इस तरह से। मार्किंग लेने के बाद जो है अब इसको होल कर दिया हूँ यहाँ पे, मार्कर की मदद से मार्किंग ले लिया था। उसके बाद मैंने 6 mm का होल कर दिया, 3 holes किया हूँ, 1 hole अभी पेंडिंग में है। फिर इसको यहाँ पे ऐसा सेट करूँगा, इसको भी यहाँ पे मार्किंग ले करके सेंटर ला करके ये प्लेट का मार्किंग लेके स्क्रू डाल दूँगा दोनों साइड। डालने के बाद जो ऊपर का गैप डालेंगे, उसके बाद देखते हैं कैसा होता है। ओके, आगे वीडियो को देखते रहिए। अब जो इसका हाइट बढ़ाना है मेरे को, ऊपर उठाना है, तो मैं लिया हूँ यहाँ पे ये खराब है, इसे लेकर के यहाँ पे मार्किंग कर लिया हूँ। यहाँ पे इसका हाइट मैं ऐसे दे रहा हूँ, ऊपर से स्क्रू एंड वाशर डाल रहा हूँ। तो जैसे कि ये देखिए, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से इसे लगा दिया हूँ, ये आ गया सेंटर में। ओके, यहाँ पे वाशर रखता हूँ और ये ब्लैक वाला स्क्रू जो सीलिंग में डालते हैं वो लगाता हूँ। अब इसको जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लेता हूँ हमारा स्क्रू। तो गाइस ये हो गया फिट, अब चलिए करते हैं इसको सेट। तो ये बैठा लेते हैं, यहाँ पे वाशर देना है। ओके, तो वाशर दे लेते हैं। कूलर बन के तैयार हो गया, ये देखिए मैंने इस तरह से इसको फिट किया है सभी कुछ को, ये तो आपको बताया ही था। यहाँ पे पंप को इस तरह से फिट किया है क्लैंप बना के, गाइस माफ़ करना पूरी वीडियो मैं नहीं बना सकता हूँ कंटिन्यू, क्योंकि मुझे कैमरा पकड़ने और स्टैंड वगैरह नहीं है, बहुत दिक्कत होता है, कोई शूट करने वाला नहीं है। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ ऑन करके। ये मैंने यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया, अब यहाँ पे आया, यहाँ पे आकर के जो ये हमारा जो है मोटर का है ऑन किया, 1 first speed है ये, 8 second, 8 hours फुल स्पीड। सो गाइस ये हो गया कंप्लीट, अब इसे मैं पूरा पैकअप कर देता हूँ, मतलब बंद करता हूँ। तो गाइस हमारे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।